गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आरके मेहतो। वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म आरके एजुकेशन। बैच कोड हमारा ERKM059, नाइट बैच हमारा वॉइस का। आज हमारा डे टू, सेकंड आज हमारा डे है इसका। आज की डेट है 14 जुलाई, यानी 14th जुलाई 2021। पता ही नहीं चला कि ये साल आधा कम निकल गया। चलो कोई नहीं। देखो बेटा, तो पिछली क्लास में हमने वॉइस को क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, एक बार फटाफट जरा उसको समझ लेते हैं। मैंने ये वॉइस के सारे रूल्स लिखवाए थे, तो जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए थे तो सजेशन है उनको कि जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी का, इस पेज का जल्दी से। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जिसने नहीं लिखा हुआ है उनको तो जल्दी से लिख लो। चलो लिख लिया होगा अब तक, तो मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो देखो हमने ये चीज समझी थी वॉइस के अंदर कि क्या वॉइस को पहचानने का तरीका कैसे था, हाउ टू आइडेंटिफाई द वॉइस। पहला पॉइंट हमने ये सीखा था कि व्हाई टू यूज पैसिव वॉइस, कि वॉइस को पैसिव में बनाता ही क्यों है, जबकि हम सारी चीजें एक्टिव में बोल सकते हैं, तो पैसिव को क्यों सीखें, तो व्हाई टू यूज पैसिव। तो इसका मैंने दोनों कंडीशंस आपको बता दिया था, जिसमें कि अभी पूरा डिटेल में अभी मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वरना टाइम वेस्ट होना है। सिंपल ट्रिक थी, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए। चलो अब देखो, यहाँ पे हमने क्या बात सीखी थी कि अगर कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर इज एम आर वॉज वर या बी बीन बींग, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव होता है, और इनको छोड़ के दुनिया के सारे सेंटेंस एक्टिव होते हैं। जैसे कि आपको भी गौर कीजिएगा कि आप जब किसी भी एटीएम वगैरह में जाते हैं, गए होंगे, मैं बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ, जो आप अपनी रियल लाइफ में उन एग्जाम्पल्स को जीते हो, तो मैं वो वाले एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप किसी भी एटीएम में जाते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पढ़ना जरा क्या लिखा होता है, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, ऐसे लिखा होता है, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। तो गौर करना, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब आपको भी पासबुक प्रिंट कराते हो मशीन में, आपने देखा है कभी मशीन पासबुक प्रिंट करवाने वाली, तो उसमें देखा होगा आपने ऐसे करके लिखा होता है, योर बार कोड एंड पासबुक, योर बार कोड एंड पासबुक आर बींग वेरीफाइड। कभी गौर करना, ऐसा लिखा होता है। तो आया बींग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आता है कि नहीं आता, इस प्रकार से लिखा आता है। या फिर जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके एडमिट कार्ड के पीछे लिखा होता है ऐसे करके, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिच द एग्जाम सेंटर ऑन टाइम। तो देखो, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। जब आप किसी को कॉल करते हो, सामने वाले का नंबर स्विच ऑफ हो, तो द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। तो गौर करना, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो पैसिव में लिखी होती है, सुनने में आती है, लेकिन आप लोग कभी नोटिस नहीं करते, इसलिए वो आंखों के सामने से निकल जाती है। तो ध्यान रखना, पैसिव में हमारी जो भी ऑफिशियल कामकाज की चीजें हैं पैसिव में होती है, राइट? क्लियर हो गया इतना? बोलो यस। तो वो मैंने आपको ट्रिक वहां सिखाई थी और उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब हाउ टू चेंज द वॉइस, उसके रूल्स रेगुलेशन ये मैंने लिखवा दिए, हालांकि ये मैंने पिछली क्लास में ही हमने कर लिया था इसको, लेकिन पावर कट की वजह से ये यहीं पे खत्म हो गया था, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी बच्चों ने, जो बच्चे लेट आए थे, अगर उन्होंने ये रूल नहीं उतारा है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि फिर हम आगे बढ़ सके आसानी से। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट रूल ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस का, कि ये टोटल हमारे पास 8 नियम बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डूडस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो एक्टिव होता है, और अगर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव होता है, ठीक है। अगर V2 या फिर डिड प्लस V1 आ जाए तो एक्टिव है, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव है। मतलब आप इसके हिसाब से आप इसको देखते चलो।
और इसमें भी मैंने आपको जो बताया था सिंपल सा तरीका कि देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा सारा पैसिव, है ना। और यही ट्रिक हमने पीछे सीखी थी, यही की यही सारी ट्रिक हमने अभी पीछे सीखी थी, बताया था ना, वो थोड़ा शॉर्टकट में था, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट में है, ठीक है। अब इन सभी से हम कुछ निचोड़ निकालते हैं, इन सभी से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन ये है कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो लिखो वी ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होना करते हैं हम, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, दूसरी बात कि पैसिव में कभी भी डू डस डिड का यूज नहीं करते, ध्यान से देखो, पैसिव में कहीं पे भी डू डस या डिड ये नहीं लिखा, सोचने वाली बात है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको डू डस या डिड दिख जाए तो समझ जाना वो एक्टिव है, ठीक है। तो लिखो We never use helping verb do, does, या did in passive voice. सर ये एचवी का क्या मतलब है? एचवी हेल्पिंग वर्ब। चलो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर थ्री, अगला पॉइंट क्या सोच सकते हो बेटा, मैं आपको रूल दोबारा दिखा रहा हूं, अगला पॉइंट सोचना क्या हो सकता है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज नेवर यूज्ड। हाँ फिर तो कहोगे फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आता, अरे बोल तो दिया थर्ड फॉर्म ही आता है, तो उसमें फिर वो दोनों हो तो गए। इसके अलावा सोचो बेटा, याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूं, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, था ना मजेदार बात, विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव कांट बी मेड, विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव कांट बी मेड, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, यानी एक्टिव बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं, दीपक रॉट अ पोयम, यहाँ देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दीपक रॉट अ पोयम, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये एक्टिव है। जैसे एक और ले लेते हैं, सोनम कुक्स टेस्टी फूड, सच है या झूठ पता नहीं, लेकिन सोनम कुक्स टेस्टी फूड, तो ये एक्टिव हो गया क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया एवरीबॉडी, बोलो यस। यस सर। यस सर। चलो शाबाश। पॉइंट नंबर फोर, सोचो बच्चों, फिर से स्क्रीन पे ले आया आपके, जल्दी सोचो। अगर मॉडल्स यूज हो तो वहां पे भी लगाना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो भी लगा के थर्ड फॉर्म यूज की जा सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके अलावा अभी वो बताते हैं अलग से, तीनों एक साथ। सर इसमें ऑब्जेक्ट को भी तो आगे लाया जाता है। हाँ वो तो आता ही आता है, वो तो बेसिक रूल है कि ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, ऐसा पीछे चला जाता है। जी सोचो। नहीं, चलो हम बताते हैं, ध्यान से सुनो, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के लिखो, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी मेड इन पैसिव वॉइस। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है,
आप पूछो सर ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, पूछो है? हाँ सर बताओ। बेटे शाबाश, यू आर अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड। सर आप देख क्यों नहीं रहे हो? अरे पता नहीं कैमरे में क्या दिक्कत आ गई है, चल ही नहीं रहा, देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अरे हम इतने भी हैंडसम लगता है सर, ज्यादा हैंडसम हो गए इसलिए कैमरे पे देखना नहीं चाहिए। तुम्हारे मुंह में आलू चावल। चलो सुनो, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी मेड इन पैसिव वॉइस। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। इतनी बातें लिख दी, वेरी गुड। अब आगे लिखो अगला और आखिरी पॉइंट, फिफ्थ नंबर का, ध्यान से सुनो बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो अगर किसी भी एक्टिव के अंदर आईएनजी आ जाए, क्या आ जाए, आईएनजी, तो उसके पैसिव में बींग लगाना कंपलसरी है। ध्यान रहेगा, बोलो यस। अगर किसी एक्टिव में हैज, हैव या हैड आ जाए तो उसके पैसिव में बीन लगाना कंपलसरी है। मस्त ट्रिक है ना। अगर किसी एक्टिव में मोडाल आ जाए तो उसके पैसिव में बी लगाना कंपलसरी है। मौज आ गई, जल्दी लिख लो। भैरव समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलो और कोई नया? सर अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए कोई, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल? ना, ये तो कंपलसरी, इसको सेम कोर्ट पे, ये ऐसा बेसिक रूल है कि इसके बिना अंग्रेजी में पैसिव बन ही नहीं सकता। कोई भी स्ट्रक्चर पैसिव का इसके बाहर नहीं हो सकता। लिख लो तो ठेंगा दिखा दो एक बारी। शाबाश कंचू, टन, अरविंद कुशवाहा, आयुषी सिलोदिया, जेडी, डेजी, अमित, निधि, ललिता, किरण, सौम्या। अरे सौम्या तुम जिंदा हो, बड़े दिन बाद। जी सर है जिंदा। सर वो थोड़ा बीमार थे इसलिए क्लास नहीं ले पाए। बच गए, बच गए। और वो मोटो कहाँ है? सर पता नहीं उसका, बात नहीं, काफी दिन से पूछ के बताएंगे। चलो जी, अब ये फोर्थ वाला पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जो थोड़ा डाउट में था। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने एक एग्जांपल कहा कि सौम्या रॉट अ लेटर, सौम्या, अच्छा एक सौमा है एक सौम्या है, दोनों ही है हमारी क्लास में, तो सौम्या admired him, she came yesterday, they ran fast, he Monica cooks tasty food. एक लास्ट और, द बर्ड वर फ्लाइंग इन द स्काई। अब ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के, अब इनमें से पैसिव किस किस का होगा। देखो सौम्या रॉट अप लेटर, यहां पे रॉट के बाद ये व्हाट या वुम का आंसर दे रहा है कि सौम्या ने लिखा, क्या लिखा, लेटर लिखा, ये व्हाट का आंसर कर रहा है। सौम्या एडमायर्ड, सौम्या ने एडमायर किया, वुम किसको एडमायर किया, शी केम वो आई, व्हेन कब, तो यस्टरडे, दे रैन हाउ, म्याओ ये क्या है, हद है। मोनिका कुक्स, हाउ बोलना है वो म्याओ म्याओ कर रही, मोनिका कुक्स, तो ये व्हाट को आंसर कर रहा है, अच्छा, और ये इन द स्काई वेयर कौन सा कर रहा है, ठीक है।
देखो बेटा, आप ध्यान से सुनो पुत्रों और पुत्रियों, इनमें से जो जो शब्द वट का या वुम का आंसर कर रहा है, सिर्फ उसी का पैसिव वॉइस बन सकता है। तो ये वट का आंसर कर रहा है, ये पैसिव बन सकता है। ये वुम का कर रहा है, ये पैसिव बन सकता है। ये वट का आंसर कर रहा है, ये पैसिव बन सकता है। बाकी तीनों में आप कितने भी झंडे गाड़ लो, इनका पैसिव नहीं बन सकता। कोशिश करके देख लो, समझे? तो ये वट या वुम का आंसर दे रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मेरी बात समझ में आ गई? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो या तो वट का आंसर करें या तो वुम का आंसर करें। आप समझ में आया? बोलो यस। हाँ जी सर। जल्दी से यस सर। टीप लाओ फटाफट से। हो जाए तो ठेंगा दिखा देना एक बार। हो गया, शाबाश, बढ़िया। तो देखो, व्हाट या वुम का आंसर करता है, सिर्फ उसी को पैसिव में लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिखा जा सकता पैसिव में। आप किसी भी किताब को खोल करके देख लेना, टॉपिक खोल करके वॉइस का, जितने भी एग्जांपल आपको दिखाई देंगे वो सारे या तो व्हाट के या तो वुम के ही होंगे। चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है? और आखिरी वाला जो मैंने फिफ्थ नंबर का पॉइंट पढ़ाया था, वो आपको वो भी क्लियर हो ही चुका होगा अब तक, फिफ्थ वाला। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर कभी भी किसी एक्टिव के अंदर आईएनजी आ जाए, आईएनजी जैसे प्लेइंग, ईटिंग, है ना, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो वहां ध्यान रखना है कि उसका जो पैसिव वॉइस आएगा उसके अंदर बींग जरूर आएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो आईएनजी आ रहा है, यहाँ देखो, तो उसके पैसे में बींग जरूर आएगा, लिखा है बींग। अगर कहीं पे भी हैज हैव हैड आ जाए, हैज हैव या हैड, तो उसके पैसे में बींग जरूर आएगा। और अगर किसी एक्टिव में मोडल आ जाए तो बी जरूर आएगा। आ रहा है ना? तो वही तो चीज यहाँ मैंने बताई आपको, बताया ना? सॉरी सर, सर ये मेरे हाथ में एक बार ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश ग्रामर की बुक है सर, इसमें ट्रांजिटिव की जो डिफाइन दी हुई है, उन्होंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। अब अगर मैं इसके अलावा, जैसे अगर मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो सिर्फ व्हाट और हुम का ही आंसर करते हैं, तो ये चैलेंज करना नहीं होगा बुक को? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, उनको ये बात बताया ही ना जाए। सुनो गौर से, सुनो सुनो सुनो, मतलब ब्यूटीफुल हो तो आप आधे पे ही समझ रोक दोगे। आप सुनो ध्यान से, जो व्हाट का आंसर देता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो बुक का आंसर होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो जो आपकी डिक्शनरी है उसमें सिर्फ डायरेक्ट लिखा है, लेकिन ध्यान रखना इनडायरेक्ट भी होता है। जो व्हाट का आंसर देता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो वुम का आंसर देता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? बोलो यस। शाबाश। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कई ऐसे भी वर्ब होते हैं जो सिर्फ या तो व्हाट का ही आंसर देते हैं, कई ऐसे वर्ब होते हैं जो सिर्फ वुम का आंसर देते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो दोनों का देते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको वर्ब कहा ईट, तो आप इसका आंसर व्हाट में दे सकते हो? बिल्कुल, आई एट अ मैंगो। वुम में दे सकते हो क्या? आप ऐसा बोल सकते हो मैंने मधु खाई कल? ऐसा तो नहीं बोल पाओगे मैंने सौम्या को खाया, मजा आया, नहीं ना? यानी कि ये सिर्फ व्हाट का आंसर दे पा रहा है। अच्छा, एडमायर्ड, इसका स्कॉल्ड, इसका आंसर सिर्फ आप वुम में दे सकते हो। इंसान के लिए तो बोलते हो ना आप कि भाई मैंने उसको डांटा, मैंने उसको समझाया, ये तो नहीं कहोगे कि मैंने जो चेयर को डांट दिया, है ना? और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों का आंसर देते हैं, जैसे गिव, जैसे गिव इट टू मी, है ना, शी गेव मी अ पेन, तो व्हाट का भी दे रहा है, वुम का भी दे रहा है, ठीक है? तो ये ट्रांजिटिव की तीन कैटेगरी होती है। अब ये डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, ये वर्ब की क्लास में डिटेल में सीखोगे। फिलहाल के लिए याद रखो कि या तो चाहे वो व्हाट का आंसर दे, या तो वुम का दे, या तो दोनों का दे, ठीक है? पैसिव सबका बनेगा। ओके सर, थैंक यू। चलो क्लियर है? तो वो जो लिखा है आपके डिक्शनरी में उसमें साथ में एड ऑन कर देना कि व्हाट ही नहीं वुम का भी। तो जो व्हाट का देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो वुम का देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चलो आगे चलते हैं। यानी कि शॉर्टकट में आप ये समझ लो कि
पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है. तो ये जो व्हाट का आंसर दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है. कौन सा? डायरेक्ट वाला. ये डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट. चलो डन, ठेंगा दिखा दो एक बार. शाबाश शाबाश, बहुत खूब. चलो अब इनके क्वेश्चंस को देखते हैं. यहाँ पे इस वाले रूल के ऊपर देखो, यहाँ पे जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट आपको बताया कि अगर किसी भी एक्टिव में आईएनजी है, पैसिव में बीइंग जरूरी है, एक्टिव में हैज अ वर्ब आए पैसिव में बीइंग जरूरी है, एक्टिव में मोडल आए तो पैसिव में बी जरूरी है. अब इसका यूज देखो कहाँ होता है, समझिएगा गौर से. कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में, हम लोग जो है ना बड़े अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और कितनी गलतियां कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं. ध्यान से सुनिएगा. जैसे मान लीजिए कि कोई लंबा चौड़ा सा एक्टिव का क्वेश्चन आया, इसमें चार पैसिव दिए गए हैं. अब आपको इनमें से सही पैसिव को फाइंड आउट करना है. तो अब हम लोगों की गलतियां क्या होती है कि सबसे पहले हम पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है, चाहे आप DSSB के बच्चे हो, चाहे आप SSC का एग्जाम दो, CGL CPO, या फिर चाहे आप स्कूल लेवल के बच्चे क्यों ना हो, उसमें भी आता है, एकेडमिक लेवल के बच्चों में भी. तो ऐसे में होता क्या, हम पूरा का पूरा एक्टिव पहले पढ़ते हैं, हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं जो कि हमसे नहीं बन पाती है, ठीक है. और उसके बाद थोड़ा सा कोशिश करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि चलो कोशिश करें, पैसिव बनाते हैं, पहला वाला देखते हैं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लगता यही आंसर है. फिर अगला पढ़ते हैं, लगता है यार यही आंसर है. फिर अगला पढ़ते हैं, मन करता है यार नहीं नहीं बाकी दोनों गलत है, यही ठीक होगा. और चौथा पढ़ते हैं तो भैया माशाल्लाह ये सबसे बेस्ट. तो ऐसे में चारों को पढ़ करके एक ही बात समझ में आती है, चारों को पढ़ के एक ही बात समझ में आई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. यही होता है ना एग्जाम में, चारों को पढ़ करके एक ही बात समझ में आती है कि कुछ भी समझ में नहीं आया. तो ऐसे में मतलब हमारा टाइम भी वेस्ट होता है सबसे पहली चीज, और दिमाग भी खराब होता है कि यार दत्त तेरी, 2 से 3 मिनट हमारा टोटल वेस्ट हो चुका होता है. अब ऐसे में आपको क्या करना है, वो ट्रिक याद करनी है. कैसे? अब आपने पूरा नहीं पढ़ा, सीधा अब देखा हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपने देखा हेल्पिंग वर्ब लिखा है हैव, ठीक है. चलो हैव लिखा है तो क्या लगाना कंपलसरी है, बीन बीन बींग बीन पीपीपी वाला, हाँ तो बीन लगाना जरूरी है. अब आपको चेक करना है किसमें बीन है और किसमें नहीं है. तो सही को मत ढूंढो, गलत को ढूंढो और काटो. जैसे फर्स्ट वाली लाइन पढ़ी, इसमें कहीं पे भी बीन नहीं था तो इसको हमने काट दिया. सेकेंड लाइन पढ़ी, मान लो इसमें भी बीन नहीं है, इसको भी काट दिया. थर्ड लाइन पढ़ी, मान लो यहाँ बीन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको फट से टिक मारोगे, ऐसा नहीं है, आगे भी पढ़ो. अगर इसमें भी बीन नहीं हुआ तब तो 100% हमारा थर्ड वाला सही है, ठीक है. लेकिन अगर इसमें भी बीन हुआ तो अब दूसरा तरीका लगाओ. क्या तरीका लगाओ? देखो, हो सकता है कि इस वाले में डू डज या डिड दे रखा हो, इसलिए आप काट सकते हो. हो सकता है कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तब भी काट सकते हो. मतलब कुछ ना कुछ आपको कारण मिलेगा ही कि आप आराम से काट सकते हो. मतलब आपको बस काटने में एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, समझे ना. हाँ, काटने में एक्सपर्ट बनना है. देख रहे हो हंसी आ रही है 2-3 के जैसे काटती है ना, काट गई वही वाला. तो अगर आप काटने में एक्सपर्ट बन गए तो बेटा आपका वॉइस का क्वेश्चन, नरेशन का क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा. तो बस आपको काटना है. चलो अब कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जिससे कि आप काटने में एक्सपर्ट बन जाओगे. प्रैक्टिस भी जरूरी है ना काटने की काटना. एक सेकंड होल्ड करो, मैं जरा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस खोलता हूँ. कहाँ गया वॉइस वर्कशीट नंबर 2. ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन अब खुलने वाले हैं. कितने गए? ये रहे. चलो दिख रहे हैं बेटा क्वेश्चंस? यस सर. अब मैं रैंडमली आपके सामने कोई भी क्वेश्चन फेंक के मारता हूँ और इनमें से आपको आंसर करना है, ठीक है. अब जैसे मान लो कि आपके सामने क्वेश्चन आया है ये. अब जैसे ये 19 नंबर, ठीक है, इसको करना है, ठीक है. अब ध्यान से सुनो, 19 नंबर. अब देखो यहाँ पे ड्रू वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म. अब देखो फर्स्ट वाले में बींग आ रहा है. बींग कब आता है? जब क्वेश्चन में
तो आईएनजी तो लिखा नहीं है ना, ड्रॉइंग तो नहीं लिखा है? नो सर, यहाँ पे बीन आ रहा है, बीन का बात, बीन का बात है सर, फिर हैज है वो, हाँ काटो, बीन लिखा है, ये भी नहीं होगा, सेकंड इज करेक्ट, बीन है, अच्छा अब जरा इसको देखते हैं, ये वाला, इसको देखते हैं, मुड़ा लिखा है, मुड़ा है, तो क्या आना कंपलसरी है, बी आना कंपलसरी है, अब देखो यहाँ पे बी आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ बी आ रहा है, नहीं, यहाँ बी आ रहा है, वुड आ गया जो कि विल का वुड हो गया, यहाँ पे आ जाओ, बताओ जल्दी, एक मिनट के अंदर आंसर दो, सर ये होगा सेकंड, थोड़ा सा ना आप माइक को हिला के देखो अपने साइड से, मोनिका हो सकता है उसी की वजह से झरझराहट की आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी, चलो अभी क्या बताया, बी बी ओके, देखो आईएनजी आ रहा है, आईएनजी आ रहा है तो बींग लगाना जरूरी है, अब देखो फर्स्ट में बींग है नहीं, सेकंड में है, थर्ड में है नहीं, सर वो मेरा बेटा पीछे फ्री फायर खेल रहा है, ओ बेटे सर मैं इसलिए म्यूट कम करती हूँ, पीछे से गोलियां चलने की आवाजें आती हैं, अरे अठन्नी बड़े होके लग रहा है पुलिस बनोगे, चलो अब मैं आपको रेंडमली क्वेश्चन दे रहा हूँ और फटाफट करना है अपने आप, 30 नंबर, 5 सेकंड में आंसर दो, the beggar was loved at by the boy, जो जो डी कह रहे हैं वो हाथ उठाओ एक बार, ठेंगा दिखा, डी सर, डी 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 सर, डी सी, सी वाले, बी वाले और ए वाले, अरे चश्मो आंसर दो अपना, डी सर, डी सर, सी, मैं चश्मो बोलता हूँ तो सारे सोचते हैं सर सी तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं आईएनजी बींग सर, डी है, तुम चाहे ना सच में पता नहीं कितने हैंडसम हो ना हो लेकिन डीपी ऐसी लगा के रखते हो चश्मे के साथ, जैसे देखो अरविंद है, दीपक है, सौम्या है, ग्रेविटी है, रिद्धिमा है, बस मधु को छोड़ के सबने चश्मे में डीपी लगा रखी है, गजब बिल्कुल ऐसा हीरो हीरोगिरी करने में एक्सपर्ट हो बेटा, सही है, चलो देखो अब आंसर देखते हैं, यहाँ पे लाफ्ड लिखा है, अब पहले तो ये और ये काट दो, देखो बींग और बींग आ रहा है, बींग तब आता है जब क्वेश्चन में आईएनजी हो, तो सही को ढूंढने से पहले गलत को देखो, तो यहाँ पे बींग बींग लिखा है, क्या इसकी जरूरत थी, नहीं काटो, यहाँ पे भी बींग लिखा है, इसकी जरूरत है, नहीं, तो इसको भी मिर्जापुर के बाबूजी की तरह काटो, अब ए और डी बचा, अब बता दो आंसर, डी डी बोला तो डी, ए ए आएगा बेटे, बहुत अच्छे शाबाश, गलत आंसर है, देखो अगर क्वेश्चन में एट आ रहा है तो देखो इसे फ्रीजल वर्ब कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे एक सेकंड सर पहले तो आप देख जाओ, मजा नहीं आ रहा मुझे, ओ माय गॉड मेरे को देखने के लिए, उफ उफ ये लड़कियां हैं, हिज ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर हिम वेल, हिज ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर हिम वेल, तो ये एक्टिव है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो देखो ही, अरे हिम थोड़ी हिम का ही, ही इज लुक्ड आफ्टर, अब यहाँ आफ्टर लिखना कंपलसरी है, he is looked after well, looked after, ध्यान से सुनो, by his grandmother, well looked after by his grandmother, grandmother, ध्यान रखना ये जो well है ना ये how का आंसर दे रहा है कि कैसा अच्छा ख्याल रखती है, तो well, he is well looked after by his grandmother, अच्छा एक और दिखाते हैं, वैसे looked after well नहीं हो सकता, looked after well by, बताते हैं वो भी बताते हैं, the judge
लुक्ड इनटू द मैटर, इसमें द मैटर वॉज लुक्ड इनटू बाय द इनटू द जज, द मैटर वॉज लुक्ड इनटू बाय द जज, लुक्ड द मैटर वॉज लुक्ड लुक्ड इनटू बाय द जज. अब देखो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन साथ आ रही है, देखो दो दो प्रीपोजिशन साथ आ रही है, तो अगर कोई ज्ञानी आपको बोले कि दो प्रीपोजिशन इंग्लिश में साथ नहीं आ सकती तो उसको दिखा देना ये एग्जांपल कि दो प्रीपोजिशन साथ आ सकती है. ठीक है. हाँ जी, अब आपका कहना था कि सर ये आगे या पीछे कहाँ लगाएं. देखो मैं एक और एग्जांपल से अभी आपको क्लियर करवा दूंगा. मोनिका, किसकी साइड से आवाज आ रही है, म्यूट करो एक बार. मोनिका सैंग अ सॉन्ग ब्यूटीफुली, इसका पैसिव बनाओ. A song was sung beautifully by Monica. The song was sung by was a song was beautifully sung. A song was beautifully sung by Monica. Beautifully sung. Sung by Monica. By Monica. ये अब तो beautifully लगाने इसको last में ना पुत्र मुन्ना. ये जो beautifully जब passive में जब भी कोई how का answer देने वाला होता है ना उसको helping और main के बीच में लगाते हैं.